एग्जाम के रिजल्ट्स। ये क्या मजाक है, मैं इसे बदल सकती हूँ। ये काम नहीं किया, अब मैं क्या करूँ? एक एफ। अगर मैं इसे खरोच दूँ? ये बकवास है। हाँ सोचो। हाँ समझ गई। मुझे बस ये ग्लू गन और ये ग्लू स्टिक चाहिए। कोने पर बस थोड़ी ग्लू लगाएंगे और इसे इंक पर प्रेस करेंगे। इसे यहीं टिका कर रखेंगे और ये इसके साथ ही निकल आएगा। मैं एक जीनियस हूँ। शायद नहीं, अब यहाँ एक नया ग्रेड डाल देंगे। मुझे ए मिलना चाहिए। जरा ये देखो, तुम कितनी स्मार्ट हो और शो ऑफ करती हो। अगली बार मुझे भी आंसर दिखाना। ठीक है क्लास, ये एग्जाम का समय है। उम्मीद है तुमने पढ़ा होगा। मैं फेल हो जाऊंगी। ओह मैं ये जानती हूँ, ये बेकार है। मुझे गेस करना होगा, कुछ ना लिखने से तो बेहतर है। ये काफी मुश्किल है। मेरे ख्याल से मुझे मदद चाहिए। तो ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैं ये लेती हूँ। ये जितना मैंने सोचा था उतना आसान नहीं है। ठीक है, प्लान बी का समय है। ओ नहीं, टीचर आ रही है। मुझे छिपाना होगा। मेरी नजर तुम पर है, बुको हॉक की तरह। ओ हाँ, आपने ये मिस कर दिया। मुझे जल्दी करना होगा। ओ नहीं, ये तो बहुत बुरा है। चलो कुछ और ट्राई करें। मेरे मुझे आंसर चाहिए। ओ बढ़िया, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो फिर से चीटिंग कर रही है। क्या तुम्हें समझ आया? बढ़िया, अगला है 45। ओ हाय, फैंसी ने मुझे देख लिया। ये मुझे दो। रुको नायोमी, तुम अब बहुत बड़ी मुसीबत में हो। जेरिड, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मुझे नहीं लगता ये जेरिड है। तुम मुझे कभी बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे सारी ट्रिक्स पता है। हेलो, वो कितनी मीन है। मैं अब क्या करूँ? मेरे पास और फिंगर्स नहीं है। अच्छी बात है, मैंने अपने पैर धोए थे। ठीक है, तुम्हें कहाँ थी? अब वो क्या कर रही है? नायोमी, क्या आपको कोई दिक्कत है? मैं यहाँ कुछ काम कर रही हूँ। और मेरा हो गया, ये मजेदार था। ये लीजिए मिस। वाह, ये काफी जल्दी था। हे एनी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कोई दिक्कत नहीं, ये देखो। तुम्हें नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल ऐसे। फिर डेसिमल सेपरेटर्स ऐड करने हैं। ये इतना आसान है। वाह, ये शानदार है। शुक्रिया, काश मुझे ये पहले पता होता। हो गया, मैं अपना पेपर पकड़ा सकती हूँ। अब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ए मिलता है, मैं जीनियस हूँ। रुको, क्या तुम्हें मालूम था आज एग्जाम है? ये डरावना लड़का कौन है? मेरे पास सब है, मैथ, इंग्लिश, मल्टीपल चॉइस। मैं आ रही हूँ, पहले मुझे पेमेंट दो। हाँ बिल्कुल, देखते हैं यहाँ क्या है। लगता है इतना काफी होगा। जी हाँ, फैशनेबल। और ये है सारे के सारे आंसर्स। वाह, ये तो शानदार है। थैंक्स, एक और कस्टमर खुश हुआ। हाय, तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस स्टाइल के साथ मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। बहुत मजा आएगा। ये मार्केट का सबसे बढ़िया इरेजर है, पढ़ने में मजा आएगा। मुझे भी आंसर्स खरीदने होंगे। यहाँ कैंडी जरूर होगी, इससे कुछ नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? ये कैसा मजाक है, हटो। मैं यहाँ से निंजा रोल कर जाऊंगा। चलकर ही चले जाते, बहुत बढ़िया। पर अब मैं क्या करूँ? रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। ट्राई करते हैं। मैं स्क्रीन पर केस लगा लेती हूँ। अब मैं आंसर्स को स्क्रॉल कर सकती हूँ और अब मैं तैयार हूँ। यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी, मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं। मुझे इसे छिपा लेना चाहिए। देखते हैं चीट स्कैनर क्या कहता है। ये अच्छा नहीं होगा। मैं जानती थी चीटिंग। इरेजर के साथ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये हर एग्जाम में करना पड़ता है। और यहाँ क्या चल रहा है? चीट स्कैनर से कोई नहीं बच सकता। तुम अपनी हैट में आंसर्स छिपा रही हो। ओह, पकड़ी गई। काफी बढ़िया जा रहा है। टीचर आ रही है। मैं जानती थी यहाँ भी चीटिंग ही हो रही होगी। बस बीप ना हो। हाँ, की पक्का खराब हो गई है। मैं चीटिंग नहीं कर रही मिस। तुम तो अच्छी बच्ची हो। हार मानती हूँ।
बढ़िया, कोई भी यहाँ नहीं है। ये जल्दी से कुछ खाने का समय है। ओह कैंडी मुझे दो। मेरा पर्स था। ओह वो सब ले गए, मुझे कुछ नहीं मिला। ये मुझे ही चाहिए, मेरे पास थोड़ी गम है, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। क्या ये गम है? नहीं रुको, ये मेरा है। ऐसा ही क्यों होता है, ये बहुत बुरा है। ठीक है कुछ नहीं हुआ है, किसी को नहीं पता चलेगा, मैं जल्दी करूँगी। मुझे पोटैटो चिप्स की खुशबू आ रही है, मुझे ये लेना होगा। हाँ मुझे बस थोड़ा अच्छा और शांत होना होगा। ये कुछ नहीं है, चलो चलो चलो। ये क्या है? इधर वापस आओ। ओह ये खाली है। रुको, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं ट्यूब को आधा काटूंगी, फिर मैं इसे अच्छे पेपर से कवर करूंगी। ये अच्छा दिख रहा है, मैं इसे अपनी पसंदीदा कैंडी से आधी भरूंगी। फिर मैं इसके अंदर प्लास्टिक लिड रखूंगी, फिर इसके ऊपर अपनी पेंसिल्स रखूंगी। ये बिल्कुल पेंसिल केस लगेगा, पर इसके अंदर स्वादिष्ट सीक्रेट है। अब मेरी बारी, अगर मैं पेपर को ऊपर करूंगी तो मैं कैंडीज ले पाऊंगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ओह ये बस पेंसिल्स हैं। मुझे लगा तुम्हारे पास कैंडी है। फ्यू पकड़ी जाने वाली थी, पर ये काम किया। तो क्लास टेस्ट का समय है, मैं तुम्हारी चीट शीट्स लेने आ रही हूँ। हाँ चलो दो, छुपाने की कोशिश मत करना। ठीक है, हाँ ये लो। टीचर इस तरफ आ रही है, रुको मैं जानती हूँ क्या करना है, मुझे इसे छिपाना होगा। इयररिंग से ये वाला हिस्सा खोल लेंगे। इस छोटे से चीट शीट पर इक्वेशंस लिखी हैं। इसे और छोटा करने के लिए फोल्ड करेंगे और अब इसे फोन के अंदर डाल देंगे। हाँ अब फोन के साथ मैं टेस्ट पूरा कर सकती हूँ। चलो अपना फोन दे दो, मुझे देखना होगा। लगता है सब ठीक है, ये लो। अरे हाँ वो चली गई, अब मैं अपना फोन खोल सकती हूँ। मैं बहुत तेज हूँ और अब मेरे पास चीट शीट वापस आ गई, मैं इसमें माहिर हूँ। क्या नींद आई, टाइम क्या हो रहा है? ओ नहीं मैं स्कूल के लिए लेट हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। कपड़े निकालती हूँ, शायद मेरे पास कुछ ज्यादा ही कपड़े हैं। मेरा सर, कम से कम टाइम तो बचा। मॉर्निंग मॉम, लू नाश्ता कर लू। ये तुमने क्या पहना हुआ है? हाँ सॉरी मॉम मुझे जाना होगा, अजीब लड़की है। ओ नहीं दोबारा नहीं, मैं रोज रोज ये नहीं कर सकती। मॉर्निंग मुझे जाना होगा मॉम। इसने क्या पहना हुआ है, इसे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। रूम में कितना धन बचा हुआ है, हर जगह कपड़े हैं। मुझे ही सब करना होगा, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सारे कपड़े निकाल लेती हूँ और ये क्लॉथ ऑर्गेनाइजर लगाती हूँ। अब सारा सामान तरीके से रखा जाएगा, हर दिन के लिए एक आउटफिट। लो मॉम ने कर दिखाया। वेकी वेकी, स्कूल का टाइम हो गया। क्या मुझे बहुत अच्छा सपना आ रहा था। चलो तैयार हो जाओ, टडा। चलो ठीक है मैं उठ गई हूँ, देखो अब सब बिल्कुल साफ है। वाह मॉम मुझे अपने सारे कपड़े दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमटे हुए हैं। कितना अच्छा आइडिया है और कितना बढ़िया लग रहा है। ओ नहीं टाइम हो गया, तुम कितनी बुद्धू हो, तुम्हारा दिन अच्छा हो। थैंक्स मॉम आप सबसे अच्छी हो। ठीक है क्लास ध्यान दो, ये टेस्ट में आएगा। हाँ यही एटीट्यूड है मेडिसिन। हाँ क्या उसने कुछ कहा, मैं इस गेम में बहुत ध्यान लगा रही हूँ। वाह मेडिसिन बहुत अच्छा है, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। अब तो तुम गई, उसे हराना आसान नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगी। तो क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर करेगा क्लास? बढ़िया लेसन है सर। शुक्रिया, इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे ये गेम पसंद है। चलो भी मैं उसे जीतने नहीं दे सकती, यहाँ कुछ सही नहीं है। अच्छी बात है मैं तैयारी के साथ आया हूँ, ये बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। अच्छी बात है वो अभी भी बिजी है, खेलते रहो।
जैसा मैंने सोचा था। रुको, हाँ मैं जीत गई। नहीं, मैं जीतने वाली थी। ओह, इसने तो निशान छोड़ दिया। ओह, तो बटन यहाँ था। मुझे ये ठीक करना होगा और गेम बंद करनी होगी। लेकिन कैसे? ये थोड़ा मुश्किल है। नहीं, ये काम नहीं करेगा। ओह, ये अच्छा दिख रहा है। और इससे मुझे अच्छा आइडिया आया। मैं की पर छोटा सा बर्गर बनाने के लिए मॉडलिंग क्ले का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी चीज भी चाहिए होगी। फिर मैं इसके ऊपर बन रखूंगी। अब मैं इसे कीबोर्ड पर लगाऊंगी। ये बढ़िया है। हाँ, ये काम किया। जल्दी ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ ना हुआ हो। क्या क्या हुआ? रुको, गेम वो वहाँ थी। गेम, क्या आप ठीक हैं? हम अपना क्लास वर्क कर रहे थे। लगता है ये मेरे दिमाग का वहम था। माफ करना लड़कियों, करती रहो। वो सच में बुद्धू बन गए। चलो खेलें। इस जंगल में कितने पेड़ हैं? टाइम क्या हुआ? हे भगवान, देखते हैं सब क्लास के लिए तैयार है। लगता तो नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये रहे तुम्हारे कैंपसेस। जैसा बोर्ड पर बना है बिल्कुल वैसा सर्कल बनाओ। चलो एक एक कर कराओ और ये ले जाओ, जल्दी करो। अरे यार, अब हमें क्लास में भी ये सब करना होगा। चलो जल्दी से एक एक लो और जो मैंने कहा वो करो। हे रुको, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। हाँ, ये क्या है? वो दोबारा सो गई। अब मैं क्या करूँ? बहुत बुरा हुआ, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सर्कल कैसे बनाऊँ? मेरे पास तो टूल्स में सिर्फ ये रूलर है। समझ नहीं आया ये काम कैसे करेगा। ये बकवास चीज तो काम ही नहीं करती। मैं इससे सर्कल नहीं बना सकता। ये क्या? जेक के पास है पर उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये चीज इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। बकवास। वाह, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हे, मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले इसे खोलेंगे और ये देखो, कर लिया। हाँ, शायद हम इस रूलर के साथ कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ प्रेस करूँ तो? ओह नहीं, ये काम नहीं किया। अगर मैं ये बिना रूलर के ही कर लूँ तो? ये भी नहीं चलेगा। चलो भी रूलर, मेरी मदद करो। हाँ, शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। इस रूलर पर हर 2 इंच के बाद मार्क करेंगे, बिल्कुल आखिर तक। बढ़िया, अब हर डॉट पर एक होल पंच करना है। परफेक्ट, चलो इसे ट्राई करें। रूलर को रखेंगे और बीच वाले होल में पेंसिल रखेंगे और इसे घुमाएंगे। बाजू को इस तरह रखकर इसे पूरा कर लेंगे। हो गया। और ये काम किया। हे भगवान, तुमने परफेक्ट सर्कल बनाया। रुको, क्या आप मेरे लिए कंपास अब लेकर आए हो? बहुत बढ़िया। आओ, मुझे मेरे टेस्ट में ए मिला। ये कैसे हो गया? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, बहुत अच्छे। अरे यार, काश मुझे वो ब्लेड मिला होता। ओ, नहीं नहीं, घबराओ मत। देखो, मैं ये ठीक कर सकती हूँ। देखो, मुझे बस टिप पर ग्लू लगानी है और फिर इसे हम बैड ग्रेड पर रखेंगे। देखो, जब मैं इसे इससे उठाऊंगी तो साथ में ग्रेड भी आ गया। टडा! अब और बुरे ग्रेड नहीं। मैं तुम्हें अच्छा वाला देती हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी हो। हमें काम पर लगना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज हम एक नई स्टूडेंट ज्वाइन करेगी। मेडिसिन का हेलो बोलो। हे, मैं तुम्हारे लिए डेस्क ढूंढती हूँ। प्लीज यहाँ मत बैठो। हम तुम्हें कहाँ बैठाएं? आओ, एमा के साथ वाली सीट पे बैठो। बढ़िया, मुझे यही तो चाहिए था। हाय नेबर, मैं मेडिसिन हूँ। अब हम डेस्क बैठीज हैं। वाह, ये कुछ ज्यादा ही है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नए फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। तुम्हारा पसंदीदा खाना, तुम कहाँ पैदा हुई। अच्छी बात है, क्लास खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई पेट है? मेरे पास कैट है, उसका नाम मिटन्स है। मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ एमा। ओह लियो, शुक्रिया। हमें बाद में एक साथ हैंग आउट करना चाहिए। एमा, मुझे लगा मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। मैं यही तो चाहती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वो चली गयी। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ छिप जाती हूँ। वो कहाँ चली गई? वो जरूर यही कहीं होगी। मैं कहाँ छुपूं? आहा, ये काफी अच्छा है। रुको, हे बेस्टी, तुम यहाँ वापस कैसे आई? बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं उससे छुटकारा नहीं पा रही।
वो हर जगह है। एक मिनट, लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। और मुझे ईयरफोन्स चाहिए। वायर मेरी स्लीव्स के अंदर से आएंगी, फिर उसे अपने कानों में लगाऊंगी। मैं इसे अपने बालों और हाथों से कवर करूंगी। मैं म्यूजिक सुनूंगी और मेडिसिन को पता भी नहीं चलेगा। हाय एमा, तुम लंच में क्या कर रही हो? हाँ, ये बढ़िया है। पहुँच नहीं पा रही, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी छोटी हूँ। पेंसिल केस चाहिए। अरे यार, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ? कहीं भी पहुँच नहीं पाती। वो देख नहीं सकते मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, वो रही। हाय ऐसे। ओह हाय, तो तुम कैसे हो? ओह वाह, तुम तो बहुत बहुत लंबे हो। हाय, कैसे हो? खैर, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? थोड़ा जल्दी आओगे? चलो आओ, मैं नीचे हूँ। हाँ, मुझे मेगाफोन चाहिए होगा। hey, मुझे किस करने के लिए थोड़ा और नीचे झुको। मैं यूकेलेले सॉन्ग बजाती हूँ। कुछ काम नहीं कर रहा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर कलर्ड पेंसिल्स हैं। ये काम आ सकता है। मुझे फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। पहले स्क्रैप्स निकाल देंगे। अब थोड़ी हॉट ग्लू चाहिए, बस थोड़ा सा लगाएंगे। अब बस ग्लू के ऊपर पेंसिल लगा देंगे और ऐसे ही लगाते जाए। हाँ, नीचे का हिस्सा पूरा हुआ। अब ऊपर की तरफ एक बीच में लगाएंगे और एक नई स्ट्रैप लगाकर इसे घुमा देंगे। इसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म सैंडल्स। चलो पहन कर देखते हैं काम करेगा या नहीं। हाँ, अब मैं उसे किस कर सकती हूँ। रुको, ये क्या कर रहा है? ना समय हो गया। हे, उठो। खैर छोड़ो, ये सब भूल जाते हैं। हाँ, क्या? मैं जाग गया। ओह हाँ, किस? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी ये करना चाहती हूँ। हे भगवान, मुझे भूख लग रही है। सीक्रेट स्नैक खाए? हाँ, ये तो खाली है। मैंने ये पहले ही खा लिया। बस रैपर्स बचे हैं। अरे नहीं, अब क्या होगा? कैंडी सेव? हाँ बिल्कुल, जबकि हुई कैंडी टीचर यही तो रखती है। और उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। नहीं, अगर मैं सेव खोल लूं तो मैं वो सारी ले सकती हूँ। हाँ, अब कुछ बड़ा करने के बारे है। हाँ, इस सेफ को खोलते हैं। अरे नहीं, मुझे कोड नहीं पता। मूवीज में तो ये बहुत आसान होता है। अरे नहीं, पासवर्ड तो यही लिखा है। खैर, अगर मुझे मैथ आती होती। ओह, मैं मैथ में इतनी बुरी क्यों हूँ? ये मैं फिंगर्स पे तो काउंट नहीं कर सकती। रखो, मेरे पास फोन है, लेकिन मैं चार्ज करना भूल गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मुझे लगा टीचर आ गई। आओ मेरी मदद करो। ओह, कैंडी सेव, समझ गई, आसान है। हाँ, अब ये देखो, पहले मैं इक्वेशन कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ एक लाइन और फिर एक प्लस और फिर पहला सिक्स, और दूसरी तरफ भी यही करेंगे। अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेंगे। ये आया 650 और अब दूसरी साइड को जो आया 240। और राउंड नंबर्स ऐड करने में बहुत आसान होते हैं। और ये टोटल आ गया 890। और अब हम वापस 6 और 2 को ऐड करेंगे और अब 8 को 890 से माइनस कर लेंगे और ये आ गया 882, हमारा फाइनल आंसर। हो गया, यही कोड है। लाजवाब, तुम मैथ में बहुत अच्छी हो। चलो अपनी कैंडी वापस ले। ये काम किया, ये कैंडी से भरा है। वाह, क्या चल रहा है? ओह नहीं, वो वापस आ गए। हमें बस भूख लगी थी। मैं कर रही थी पाओ पाओ और फिर मैं जाग गई। हे, क्लास में बात है नहीं, माफ करना मिस। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। हनी, चलो अपने फोन इस्तेमाल करें। अच्छा आइडिया है, मेरा मतलब हम बातें नहीं कर रहे, टीचर हमारे फोन्स को देखकर कुछ नहीं कहेंगी। ये बहुत मजाकिया है। रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। कोई फोन नहीं, मैं ये ले रही हूँ। आओ, ये सही नहीं है। अब हम क्या करें? ये बहुत बोरिंग है।
रुको, मेरे ख्याल से मेरे पास एक आईडिया है। मुझे बस ये स्टिकी नोट्स चाहिए। मैंने छोटे स्क्वायर्स में काटूंगी, फिर मैं इसमें स्पीच बबल स्टिकर्स लगाऊंगी। अगला मैं इसे अपने फोन केस में लगाऊंगी, एक ऐप लगेगी। मैं इसे बिल्कुल अपने फोन की शेप की तरह काटूंगी और मैं इसे अपने फोन केस में रखूंगी। मैं इसमें थोड़े मैसेजेस ऐड करूंगी। नायोमी, ये लो। वो ये कितना अच्छा है, रिप्लाई करना बेहतर है। हम अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म कर सकते हैं। फोन किसे चाहिए? लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? ओ, मैं बस नोट्स बना रही हूँ। बढ़िया, मुझे यही देखना था। तो अपनी बुक में चैप्टर 10 को देखो। मुझे इसकी पिक्चर लेनी होगी। एनी, ये देखो, ये कितना शर्मनाक है। हमें ये पोस्ट करना चाहिए। और ये देखो तो क्लास, ये नया पाउडर कितना अच्छा है ना, पूरा दिन चलता है। चलो साथ में एक सेल्फी ले। वो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसी शेरो, बहुत हुआ, अलग अलग हो जाओ अभी के अभी। नहीं, प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी शेरो, इतने पास होकर भी इतनी दूरियां। हाँ, यहाँ तुम पढ़ने आते हो। पिस्ट, पिस्ट। क्या क्या हुआ? हम अपने फोन से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओह हाँ, ये बढ़िया है। मैं करती हूँ, यही रुक जाओ। तुम्हें मैं छोटी बच्चे लगती हूँ, फोन नहीं मिलेगा। तुम्हारा भी मैं ले रही हूँ। जी हाँ, क्लास के बाद वापस ले लेना। अब काम कर लो और मेरी नजरें तुम पर हैं। चलो मैं ट्राई करती हूँ इसे इकट्ठा कर। शेरो, ये तुम्हारे लिए है। ओ नहीं, वो तो बहुत दूर गिर गया। उसने कुछ देखा? ओ, लगता है वो अपनी बुक पढ़ रही है। हम लकी हैं। हाँ, अब मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ये रहा प्लास्टिक कप, इसे उल्टा करेंगे, नीचे का हिस्सा काटेंगे। अब एक बलून चाहिए, अब इसके कोने को इस तरह काट देंगे। अब इसे खोलकर कप के ऊपर लगा देते हैं। शानदार। अब मैं अपना छोटा सा मैसेज कैनन ट्राई करती हूँ। इसके अंदर मैसेज रखकर बलून को खींचेंगे और छोड़ देंगे। वो ये मैसेज मेरे लिए है, खोलकर देखती हूँ। तुम कैसे हो? हो, उसने मैसेज मुझे भेजा है। हाँ, ये काम किया। तो उसने भी मुझे वापस मैसेज भेजा। इस पर क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफिस में मिलो, मुझे भी मैसेज कैनन बनाना आता है। जी हाँ, ये रहे मेरे फोन्स। एक सेकंड रुको। नहीं नहीं नहीं, वो सबके फोन ले रही है। वो ये लिए बिना मुझे अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, मुझे इन्हें छिपाना होगा मेरी पॉकेट में और खैर कहीं भी। हाँ, अब ठीक है, लगता है अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। रुको, एक बाहर ही निकाल लेता हूँ ताकि पकड़ा न जाऊँ। ये लीजिए मैम, ये रहा मेरा फोन, मुझे नहीं चाहिए। फिर चलो, आ ही गया, उसे पता नहीं चला। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज टेस्ट है, तुम्हारे पास कम ही टाइम है, तो काम पर लग जाओ प्लीज। जी हाँ, चलो मैं अपना पहला फोन निकालता हूँ। मैं बैटरी चार्ज करना तो भूल ही गया। हार्ट में चेक करता हूँ, शादी वाला काम आए। ये आवाज कैसी थी? पता नहीं, छोड़ो। बाल बाल बचे। ठीक है, अब मुझे अपना फोन उठाना होगा बिना उनके देखे। नहीं, गिरने की वजह से स्क्रीन टूट गई है। ठीक है, तो मैं दूसरा फोन निकाल लेता हूँ जो मेरे हुड में था। आखिरकार ये टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। वहाँ पीछे क्या हो रहा है? उसके पास पक्का फोन है जो वो छिपा रहा है। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी। हाँ, लाइट्स को क्या हो गया? ओह हे, तुम्हारी फोन की स्क्रीन चमक रही है। अरे नहीं, ये कैसा मजाक है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास फोन है, तुम अपने आप को बहुत तेज समझते हो। हाँ, मैंने तुम्हारे सारे फोन ले लिए। तुम इतने सारे लेकर कैसे आए थे? नहीं, अब मैं क्या करूँगा। रुको, उसके पास ये क्या है? उसने नीचे फोन कैसे रखा हुआ है? अब मुझे जलन हो रही है। हे, मैं काफी इम्प्रेस हुआ इससे। ये बहुत आसान था, मैंने टेप इस्तेमाल की। टेप, तुम तो जीनियस हो। नहीं, क्लास खत्म हो गई। चलो, हमें यहाँ अपने नाम लिखने हैं। हे रुको, पहले मुझे अपना लिखने दो, ये मेरी जगह है। ये मेरी जगह है, मेरे रास्ते से हटो। जो भी है, तुम्हारे लिए वोट करेगा भी कौन? मैंने। प्रॉम क्वीन के नॉमिनेशंस, चलो मेरे साथ साइन अप करो। हाँ ठीक है, चलो चले। अगर हम में से कोई प्रॉम क्वीन बन गई तो? रुको जरा, मैं अपना पेन निकालती हूँ। ये रहा, अब मैं साइन करूंगी। ये क्या? अरे नहीं, ये चल नहीं रहा।
रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैग में बनाना है। रुको, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये लो, इस बार तो मिल गया। हाँ, रुको, मैं ये नहीं ढूंढ रही थी। वाह, पूरा मत पाना, पर कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। नहीं, मैं जानती हूँ, मैंने कल रात को ही उसका एपिसोड देखा है। ये क्या बकवास है। हाँ, बहुत हुआ, मैं पूरा बैग ही पलटा देती हूँ। रुको, क्या ये जूस का एक और कंटेनर है? हे, मुझे लगता है इससे मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया। हाँ, हम ये खाली जूस का कंटेनर लेंगे और इसे काटेंगे। अब ऊपर का हिस्सा हटा देंगे ताकि हम कैंची से इसके कोने काट सके। हमें इसे पूरा काटना होगा। अब दूसरे कोनों से भी काटेंगे ताकि ये इस तरह खुल जाए। ये जूस बॉक्स जैसा नहीं दिखना चाहिए, तो इस पिंक पेपर से इसे कवर कर देंगे। इसे उल्टा कर ग्लू स्टिक लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्लू लगाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऑरेंज पेपर लगा देंगे। अब बहुत सारी हॉट ग्लू चाहिए, क्योंकि ये काम ग्लू स्टिक का नहीं है। ऐसा ही एक और लगाएंगे, लेकिन इस तरह घुमाकर। अब और हॉट ग्लू लगाएंगे, पर इस बार कोनों पर, और ज्यादा नहीं, क्योंकि बस ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पीस लगाने हैं। इस तरह मैग्नेट स्ट्रिप्स लगाएंगे। टाडा, मैंने ये पेंसिल और सप्लाईज होल्डर बना दिया। इलास्टिक में मार्कर्स रहेंगे और थोड़ी पोस्टेड नोट्स यहाँ पर। मैग्नेट पर पेपर क्लिप्स आएंगे। जब ये सब फिल हो जाए तो इसे फोल्ड कर देंगे। पहले अंदर का हिस्सा फोल्ड करेंगे और फिर बाहर का हिस्सा करेंगे। अब जो हमने ढक्कन हटाया था उसे वापस लगा देंगे। हे, देखो मैंने क्या बनाया। ये क्या है? मैं इसे खोलूं? ठीक है। अरे वाह, देखा, अब सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब मैं प्रॉम क्वीन के लिए साइन अप कर देती हूँ। देखो, ओह, सबका ध्यान उस पर है। मैंने उससे कूल सप्लाई होल्डर कभी नहीं देखा। क्या दिन है। ओ, मैं वहाँ जाकर बैठती हूँ। वाह, कितना खूबसूरत है। मुझे नेचर में रहना पसंद है। ओह, प्यारा सा स्कूल। हे प्यारी दोस्त। ओ, मैं तुम्हें पेंट करती हूँ। है ना मत। उप्स, बच गए। माफ करना, बस एक मिनट। बेंच पर ही लेट जाओ। रुक जाओ। नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा। मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। ये इतना मुश्किल क्यों है? ओह, बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह, ये पिज्जा कितना यम्मी है। मैं मदद करूं? हाय, मुझे वो बॉक्स दे दोगी? मैं इसके पैसे दूंगी। बिल्कुल, पर पिज्जा नहीं। खूब, मैं और पिज्जा खरीद सकती हूँ। आज का दिन तो लकी है। मुझे यही तो चाहिए। इसे ढक्कन के साथ लगा देंगे। अब इसके ऊपर पेपर लगा देंगे। ये आर्टिस्ट के ईजल जैसा है। अब मैं इसे पेंट कर सकती हूँ। मैं पिज्जा लेडी को पेंट करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पोर्ट्रेट्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। हे, तुम अच्छी मॉडल हो। तुमने क्या कहा? तुम मुझे पेंट कर रही हो? जरा मुझे दिखाओ। शांति से देख लेती हूँ। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा। ये तो एक मास्टरपीस है। वाह, तुमने मुझे डरा दिया। ये तुम हो। तुम्हें पसंद आए? बहुत पसंद आए। मैं इसे खरीद सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक्स, तुम तो एक आर्टिस्ट हो। तुम बहुत अच्छी हो। आराम से निकल जाओ। टिप-टो। फिर आसपास तो कोई नहीं है, लगता तो नहीं। ओह, एवा कितनी सुंदर है और अच्छी भी। इसे रख देता हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ। उसे ये मफिन जरूर पसंद आएगा। मैं खास उसके लिए लेकर आया हूँ। ओह नहीं, वो आ रही है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इस कोने में छिप जाता हूँ। हाँ, वो अपने लॉकर तक आ गए। वो अपना फोन चेक कर रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जेक आ गया। हाँ एवा, मैं ये तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए? वाह, कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं ये स्ट्रॉबेरी ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छी है, तुम्हें चाहिए? नहीं, ये गलत बात है। वो ये कैसे कर सकता है? हाँ, ये मेरी बारी है। लगता है उसे ट्यूलिप्स बहुत पसंद है। हाय एवा। हाँ, ये क्या है? ओह हाय, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? नहीं, सॉरी, कुछ नहीं। खैर, तो ठीक है। इन रोजेस की खुशबू बहुत अच्छी है।
एवा को लिखने के लिए कुछ चाहिए। यही मेरा मौका है। ये ले लो एवा, मेरी नोटबुक ले लो। चलो मेरी वाली लो, तुम जानती हो ना तुम्हें पर्पल पसंद है। ओह, वो दोबारा जेक को ही चुनेगी। देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए तीन तीन है। वाओ, तुम्हारी नोटबुक कितनी मजेदार है। क्या, चलो भी। मैंने इसके लिए बहुत सारे सीक्वेंस बीट्स और फन बिट्स लिए थे। जितने रंग मिले मैंने सब ले लिए। फिर इस चिपकान का ढक्कन हटाया, इसके कोनों पर हॉट ग्लू लगाई और फिर इसको नोटबुक पर लगा दिया। ये देखो, ये बन गई एक मजेदार स्पार्कली नोटबुक। विश्वास नहीं होता तुमने खुद बनाया। मैं तुम्हारे लिए ट्यूलिप्स भी लाया हूँ। तो ठीक है क्लास, जरा ध्यान दो, आज हमारा एक टेस्ट है। ना बातें होंगी ना चीटिंग। मैं देख रही हूँ, तुम शुरू कर लो। सब ठीक रहेगा, मैं पेन निकाल लेती हूँ। ओ नहीं, पेंसिल केस तो खुल ही नहीं रहा। चलो भी, खुल जाओ, ये ठीक नहीं हुआ। शायद जेनिफर मदद करे। क्या, तुम्हारे पास और पेन है? प्लीज दे दो। नहीं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वो ठीक है। मिंडी, मैंने क्या कहा? माफ कर दो मिस, अब मैं क्या करूं? मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और फिर मुझे एफ मिल गया। अब मुझे देखो। आज भी बहुत पैसे खर्च लिए। ओह, जरा इस गरीब लड़की को देखो। तुम्हारे पास चेंज है? प्लीज। ठीक है, देखने दो, इतने काफी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे एफ नहीं मिलेगा। जरा रुको, मैं पेपर क्लिप इस्तेमाल कर सकती हूँ। पेपर क्लिप को टेबल पर लगा देंगे। अब ग्लू गन चाहिए। पेपर क्लिप में ग्लू लगा देंगे। मैंने ग्लिटर ग्लू लिया है क्योंकि क्यूट लगती है। इस सेक्शन को फिल कर देंगे और सेट होने देंगे। पेपर क्लिप के कोने को जिपर पर लगा देंगे। हाँ, ये खुल गया, फिर शांति मिली। ओह, बेल बज गई, मुझे आंसर चाहिए। ओह नहीं, मैं पकड़ी गई। यहाँ से खिसकना होगा। ये रुक जाओ मेडिसिन, तुम यहाँ पर ड्रॉ कर रही थी तो तुम इक्वेशन भी सॉल्व कर सकती हो। ओह, मैं श्योर नहीं हूँ। केट, मेरी मदद करो। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। ओह सच में? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। बस अपनी उंगलियाँ इस्तेमाल करो, मतलब ये जो तुमने बनाई है। यहाँ है 6, 7, 8, 9 और 10 हर उंगली पर। अब 7 कहाँ है? ये रहा, और इस तरफ से 8। और अब इन नंबर्स को फिल करो। हमें टोटल 5 उंगलियाँ मिली, तो हम 5 को यहाँ लिख देंगे। और जो बची हुई उंगलियाँ है, यहाँ 3 और वहाँ 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो और हमें मिला 6। यही आंसर है। वाह, मुझे नहीं पता था मैं उंगलियों से इतना कुछ कर सकती हूँ। खैर, मैं टीचर हूँ, चलो सीट पर जाओ। मैं इस हार्ट को चॉक से कलर कर दूंगी। ओह, मुझे भूख लग रही है। ये पिज्जा, पिज्जा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। ओह, मैंने पिज्जा को अपनी शर्ट पर गिरा लिया, अब मैं गंदी हो गई। तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? मैंने इसे अपनी शर्ट पर गिरा लिया, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। हे भगवान, हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं अब क्या कर सकता हूँ। रुको, ये चौक, बिल्कुल मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी हाँ, ये रहा चौक और ये निशान वाली शर्ट। पिज्जा सॉस के ऊपर ये चौक लगाते हैं। हाँ देखो, ये बिल्कुल ढक गया, अब मैं इसे वॉशर में डाल दूंगा। टाडा, देखो तुम्हारी शर्ट बिल्कुल साफ हो गई। तुम तैयार हो? ये लो। थैंक्स डैडी। ओह, अब एक सेकंड रुको, ऐसे पिज्जा नहीं खाना। लो, अब अगर ये दोबारा गिरा भी तो शर्ट गंदी नहीं होगी। यम्मी। कभी कभी डैड भी कमाल कर देते हैं।
इनमें से कोई मैथ हैक्स इस्तेमाल करना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मजेदार मिस न करें।